सन स्ट्रोक या दूसरे अल्फाज में कह लें हीट स्ट्रोक। आज हम बात करेंगे सन स्ट्रोक के हवाले से, यानी लू लग जाना। बाजुकात लू लग जाना और जब धूप की शिद्दत ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से क्या मसले मसाइल होते हैं, इसको डिस्कस किया जाएगा। मैं हूं होम्यो डॉक्टर आमिर सादिक। आज हम ना सिर्फ सन स्ट्रोक को डिस्कस करेंगे, उसके साथ कोशिश करेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी इस हवाले से डिस्कस की जाए। याद रहे ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, ना कि किसी के इलाज के लिए। तो सबसे पहले हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गर्मियों का मौसम है और ये आगे जून जुलाई तक ये गर्मियां रहती हैं। खास तौर पे मई का महीना जो है वो बहुत ज्यादा सन स्ट्रोक के हवाले से या हीट स्ट्रोक के हवाले से बहुत ज्यादा अहम होता है। मई के अंदर बाज़ वक्त सूरज की शिद्दत या हिद्दत इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये इंसानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक बेसिकली हमारा बॉडी टेम्परेचर जब इंक्रीज कर जाता है, और ये अमूमन उन लोगों के साथ ज्यादा मसला होता है जो सारा दिन आउटडोर काम करते हैं, वो बच्चे बच्चियां जो स्कूल जाते हैं और दोपहर में वापस आते हैं, या ऐसे लोग जिनको दोपहर में जाना पड़े, तो ऐसी कंडीशन में सन स्ट्रोक का मसला बहुत ज्यादा हो जाता है। सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक हमारी बॉडी के अंदर क्या तब्दीलियां लाती है? ऐसा भी होता है कि इससे बहुत ज्यादा सर में दर्द हो जाता है, बॉडी के अंदर रैशेस, स्किन पे रैशेस आ जाते हैं, बाज लोगों की स्किन रेड हो जाती है और बाज लोगों की सन बर्न की वजह से जल जाती है। जो बच्चे बच्चियां दोपहर में सुबह स्कूल जाते हैं, दोपहर में जब स्कूल से वापस आते हैं, तो अमूमन वो ये शिकायत कर रहे होते हैं कि उनके या तो सर में दर्द हो रहा होता है या वो बिल्कुल निढाल हो जाते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर हम जैसा जानते हैं कि 37 डिग्री या 98.6 फारेनहाइट होता है, और जब ये ज्यादा हो जाता है तो अमूमन बुखार की कंडीशन या फिर हीट स्ट्रोक में भी यही होता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। हमारा जिस्म जो पसीना खारिज करता है, जिसके जरिए से बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है, वो भी अमूमन ऐसी कंडीशन में कोलैप्स कर जाता है, यानी पसीना आना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर एकदम इंक्रीज कर जाता है, 106 या 107 फारेनहाइट तक भी ये जा सकता है, और ये बहुत ज्यादा पेचीदा कंडीशन होती है। इसके अलावा सर में दर्द, अगर इतना ज्यादा आपको सन स्ट्रोक नहीं हुआ तो सर में दर्द लाजमी हो जाता है। अगर हम सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक की एहतियात के हवाले से बात करें कि जब हमारा बॉडी टेम्परेचर एकदम इंक्रीज कर जाता है तो बेसिकली हमें क्या एहतियात करनी चाहिए? एक तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि पानी की मिकदार जो है वो अपने जिस्म में कम ना होने दें, यानी वो लोग जो बाहर आउटडोर का काम करते हैं, जब घर से निकलें तो पानी पीकर निकलें, वो बच्चे बच्चियां या लोग जो स्कूल जाते हैं या स्कूल से जब वापस आते हैं, स्कूल में वो एक ठंडे एटमॉस्फेयर में होते हैं, साय में होते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तो अचानक से वो गर्मी की शिद्दत में आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे बच्चियों को भी ये तरगीब देनी चाहिए कि जब वो स्कूल से निकले तो उससे पहले पानी पीकर निकलें, और वो लोग जो सेल्समैन हैं या आउटडोर वर्क करते हैं वो कोशिश करें कि जब घर से निकलें तो पानी पी के निकलें। उसके अलावा पानी की बोतल अपने साथ रखें ताकि पानी इनटेक लेते रहें, वो पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करते रहें ताकि बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो है वो एकदम जो है वो अप ना हो, एकदम ज्यादा ना हो। जब हम पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहते हैं तो पसीना आता रहता है, पसीना आता रहेगा तो हमारा बॉडी टेम्परेचर, कुदरत ने जो सिस्टम रखा है कि पसीना आने से हमारा बॉडी टेम्परेचर एक नॉर्मल कंडीशन में रहता है, तो वो हीट बाहर निकलती रहेगी और हम उस प्रोसेस में नहीं जाएंगे कि जिसकी वजह से सन स्ट्रोक हो सके। इसके अलावा
ये कोशिश करें कि कपड़े बिल्कुल हल्के फुल्के होने चाहिए, कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छे हैं, अमूमन लोग लॉन के या कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करते हैं, और चुस्त लिबास ना पहने। इसके अलावा जो है जब बाहर निकलें तो कोशिश करें कि सर पे कोई ना कोई चीज़ जो है वो कवर करके रखें, जैसे खवातीन वगैरह हैं वो दुपट्टे से या और कोई चीज़ से स्कार्फ वगैरह से कवर कर सकती हैं, जेंट्स जो हैं वो टोपी या फिर कैप से जो है वो अपने सर को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा जब धूप में निकलना पड़े तो जहाँ आपको छाए मिल सके, यानी जहाँ पे धूप की कंडीशन शिद्दत कम हो, कोशिश करें ऐसी जगह पे, अगर थोड़ी देर आप धूप में रहते हैं तो थोड़ी देर ऐसी जगह पे फौरी तौर पे अपने आप को मूव कर लें वहां पर। लेकिन अगर कंटिन्यू ही आपको धूप में, बाजे वक्त मजदूर लोगों को आपने देखा होगा तो उनको मुसलसल जो है वो धूप में ही काम करना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में जो सबसे बड़ी एहतियात है वो है पानी का इस्तेमाल। जूसेस वगैरह, नमकियात वगैरह, ये भी आप लाजमी सी बात है कि लेते रहें, लेकिन अगर आपको ये फौरी तौर पर प्रोवाइड नहीं है तो कम अज कम आपने पानी का इस्तेमाल, सादा पानी का इस्तेमाल मुसलसल रखना है। और एक और ये एहतियात करनी है कि ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। सादा पानी जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपका बॉडी टेम्परेचर के हवाले से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी होगा और आपके कूलिंग सिस्टम को भी, यानी आपके बॉडी टेम्परेचर को भी ये पानी जो है वो ज्यादा बेहतर रखेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो यकीनन होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं। खास तौर पे जो गर्मी के हवाले से या सन स्ट्रोक के हवाले से एक मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है वो है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन का अमूमन 30 में इस्तेमाल किया जाता है, और जब भी आप बाहर निकलें तो अगर आप एक डोज लेके बाहर निकलेंगे तो उससे भी आपको गर्मी से जो सन स्ट्रोक होने से कम जो है आपको चांसेस होते हैं। सेकेंडली, अगर किसी को सन स्ट्रोक हो गया है तो बाकी लवाजमात के साथ, यानी अगर किसी को सन स्ट्रोक हो गया तो फौरी तौर पर उसको साये में जो है वो मुंतकिल करेंगे, उसको कोशिश करेंगे जो है बॉडी टेम्परेचर किसी तरह से उसके ऊपर पानी का छिड़काव करने के, ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो फौरी तौर पर डाउन हो सके। इसके अलावा अगर किसी को ये मामला हो जाता है तो ग्लोनाइन होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर जो मेडिसिन है वो है नेट्रम्योर। नेट्रम्योर ना सिर्फ सन स्ट्रोक के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए बेहतरीन है, उसके साथ साथ ये जब हमारा पसीना ज्यादा निकलता है तो जिस्म में हमारे जो नमकियात की कमी हो जाती है ये उसको भी कवर करती है। यानी ये हम कह सकते हैं कि अगर आप हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पे नेट्रम्योर की भी एक खुराक रोज लेते रहते हैं तो सन स्ट्रोक से ना सिर्फ आप बच सकते हैं, उसके साथ साथ आप अपने जिस्म की नमकियात को भी काफी हद तक बेहतर कर सकते हैं। कहते हैं कि परहेज इलाज से बेहतर है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जिस्म में गर्मियों में पसीना ज्यादा आने की वजह से नमकियात की कमी हो जाती है, दो चीजों का ख्याल रखें। एक तो नमकियात नेचुरली तरीके से पूरे करें, ये जो आर्टिफिशियल चीजें हम लेते हैं इनसे बचने की कोशिश करें। नमकियात के लिए हमारे यहाँ अमूमन जो है नींबू का पानी इस्तेमाल किया जाता है, जो नमक चीनी वगैरह उसमें शामिल की जाती है। इसके अलावा जो ठंडे मशरूबात, या इस वक्त जो है वो तरबूज जो है वो बहुत वाफर मकदार में पाकिस्तान पे खास तौर पे बहुत ज्यादा मिलता है, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि जितना हो सके सादा पानी, अमूमन जैसे ही हमें प्यास ज्यादा लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि ठंडे पानी की तरफ भागते हैं। सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक के लिए जो एक सबसे बेहतरीन चीज है वो है सादा पानी। अमूमन ये देखा गया है कि बेशतर लोग ठंडे पानी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उससे वो ये समझते हैं कि शायद प्यास भी बुझ जाएगी और हमारे बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी कूल डाउन हो जाएगा। देखें, जो सादा पानी की अहमियत है वो बहुत ज्यादा है। हम अगर सिर्फ अपनी एक हैबिट ये तब्दील कर लें कि हम सादा पानी का इस्तेमाल शुरू कर दें, यानी ठंडे पानी को हम अवॉइड करना शुरू कर दें, सादे पानी का इस्तेमाल कर शुरू कर दें,
तो ये भी हीट स्ट्रोक को से बचने के लिए एक बहुत जबरदस्त बेहतरीन चीज है। सादा पानी हमारी बॉडी में ना सिर्फ जल्दी एब्जॉर्ब होता है, उसके साथ साथ ये हमारे जो है वो, आपने बेशतर लोगों ने ये महसूस किया होगा, देखा होगा कि जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो बार बार हमें प्यास लगती रहती है। एक गिलास हम ठंडा पानी पी लेते हैं तो थोड़ी देर बाद फिर हमें प्यास लग जाती है, लेकिन जब हम सादा पानी पी लेते हैं तो उससे हमारी प्यास बनिस्पत ठंडे पानी के काफी देर के बाद हमें प्यास लगती है। और वो बॉडी में बहुत अच्छी तरह ना सिर्फ जज्ब होता है, उसके अलावा वो पसीना बनने के अमल में और यूरिन बनने के अमल में दोनों तरह से जो है वो बहुत कारगर साबित होता है। एक तो ये कोशिश करें कि सादा पानी का इस्तेमाल रखें, उसमें उससे ना सिर्फ आपको हीट स्ट्रोक ये सन स्ट्रोक से भी हिफाजत रहती है, उसके अलावा भी ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत मददगार साबित होता है। और हमारी बॉडी जितनी डिटॉक्स होगी उतना ही ज्यादा ना सिर्फ हम इस सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं, दूसरी बीमारियों से भी बचने के लिए हमारे अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो, अगर होम रेमेडीज के हवाले से बात की जाए तो किशमिश, किशमिश का इस्तेमाल भी आपकी सन स्ट्रोक को से बचने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। मिसाल के तौर पे जब हम रात को अगर किशमिश को भिगो के और सुबह उसका पानी इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ ये तासीर में ठंडा होता है, ये हमारी बॉडी को सारा दिन कूल रखता है। होम रेमेडीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन सिर्फ आज हमने किशमिश के हवाले से यूं बात की है कि ये ना सिर्फ आपकी बॉडी को कूल रखता है, उसके साथ साथ ये आपके अंदर जो आपके मिनरल्स विटामिन्स वगैरह की कमी होती है उसको भी पूरी करता है। उसके अलावा गर्मियों में जो पसीना ज्यादा निकलता है और आपके नमकियात की कमी हो जाती है, ये उसको भी कवर करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो अगर होम रेमेडीज के हवाले से भी बात कर ली हमने, होम्योपैथिक के हवाले से, एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी बात कर ली, अगर इन चीजों को, सब चीजों पे आप अमल करते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह से इस सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं और हम दूसरों को भी बचा सकते हैं उनको ये मालूमात शेयर करके। जजाकल्ला।